एनवायरनमेंट में यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है क्या नहीं, एनवायरनमेंट ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स भी, वो हमें आइडिया होना चाहिए। जो क्वेश्चन शीट में डिजाइंड है उससे तुम्हें फ्लो पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है और वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑल्दो कोशिश पूरी की गई है कि सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन हो, बट क्योंकि सेगमेंट में डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन दूसरे सेगमेंट्स में भी हैं और पूछने का अंदाज उसका सेम है, उसका अंदाज जो है वो चेंज नहीं है। इसमें टॉपिक वाइज देखो तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्पीशीज पर होगा, स्पीशीज के बाद टॉपिक बेसिक और फंडामेंटल्स होंगे। इस बेसिक और फंडामेंटल में दोनों हैं, कोर इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो क्लाइमेट चेंज के जो कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज के कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स वो भी है। और इससे ये आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी पूछता क्या, और यूपीएससी कर कुछ नहीं रहा है, अपने ही थॉट को वो रिपीट्स कर रहा है। और अगर हमने ढंग से वो स्टडी कर लिया है तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। हम इस क्वेश्चन को इस तरह डिस्कस करेंगे हमारा वो थॉट बन जाए, केवल यही नहीं क्योंकि आगे हमें ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी साइंस टेक सब कुछ करना है, ताकि उसे हमारा वो थॉट बना रहे कि हमें पूछना कैसे। इस एग्जाम में होता है क्या है कि हम पढ़ इधर रहे लेफ्ट, तैयारी चल रही राइट, और एनवायरनमेंट में खासकर है, एनवायरनमेंट तो हमने ये मान लिया है कि बस ये तो पढ़ने से हो ही जाएगा, और जहां से 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां तो हम तैयारी कर ही नहीं रहे। और उसमें भी 20-25 में जो पोर्शन हमें ध्यान देना चाहिए उसकी तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करता हूं पर्यावरण पोल्यूशन से। देखो पहला क्वेश्चन, इस पर्यावरण प्रदूषण एनवायरमेंट पोल्यूशन के अगर देखो तो उसका पैटर्न फिक्स है पूछने का। उसका पैटर्न है कि वह एक तो तुम्हें पूछता है किसी इंडस्ट्री से कौन सा एफ्लुएंस या कौन सा प्रदूषक निकलता है। अगर ये देखो तो उसने स्टील इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर फोर देखोगे तो उसने स्टील इंडस्ट्री पर सीधा सीधा जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टील पर ही नहीं, फिर अगर तुम देखो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, जैसे इस साल वो बायोमास पर पूछा है, सीधा उसने पूछा है बायोमास से क्या निकलता है। फिर अगर तुम देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो तो इसने सीधा सीधा पूछा है ड्रिंकिंग वाटर से कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। पैटर्न क्या है, पोल्यूटेंट्स पूछ रहा है। फिर तुम अगर क्वेश्चन नंबर देखो 8, तो सीधा सीधा उसने पूछा है कि जो ई वेस्ट है उससे क्या प्रदूषक निकल रहे हैं, पूछा है ई वेस्ट पर। तो यह उसका जो है पूछने का ढंग है। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन देखो तो पहला सिंपल उसने क्वेश्चन पूछा है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा पर क्वेश्चन पूछा है। सीधा क्वेश्चन क्या है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाय, पर्यावरण में अम्लीय वर्षा का प्रदूषक या अम्लीय वर्षा जो है उसका प्रदूषण किस कारण होता है। अब तुम्हें क्वेश्चन को जानना ही नहीं, तुम्हें ऑप्शन भी देखना है कि उसने किस तरह फ्रेम किया है। ऑल्दो इसमें तो सिंपल है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय मीन्स पीएच, पीएच के लिए तुम्हारे पास एसिड होना चाहिए और वो एसिड तुम्हारा स्ट्रांग होता है नाइट्रोजन का और सल्फर का, H2SO4 और HNO3।
अच्छा नो थ्री होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वीक। और वैसे भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही पर्यावरण में क्या है, अवेलेबल है। अब ये सीओ टू अवेलेबल है और आप रिलीज कर रहे, तो हमेशा से ही वो सीओ टू क्या होनी चाहिए, अम्ल वर्षा होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए, तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब सीओ टू तो उसका आंसर कभी नहीं होगा। सीओ टू एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो सकता है पर सीओ टू कैसे होगा? सेकंड ऑप्शन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीओ टू नहीं हो सकता, सीओ टू तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, सीओ टू कितना प्रतिशत है एनवायरमेंट में? 0.03, वो मानव उत्सर्जित कर रहा है, तो ऑलरेडी जब है तो मानव के लिए वैसे ही खतरा हो जाएगा, तो सेकंड में नहीं होगा। फिर ओजोन, ओजोन जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, वो तो एनवायरमेंट में जाने से बनती है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है जब तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, जब तुम्हें एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है कि आंसर है क्या वास्तव में। और वैसे इसका आंसर तो है जो नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें यही नहीं जानना है, जब क्वेश्चन देखना है तो यह भी देखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज क्यों होती है, क्योंकि अगला क्वेश्चन यह हो सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वोल्केनो का से ज्यादा उत्सर्जन अम्लीय वर्षा का कारण हो सकता है। अब वो एक फैक्ट है, बट अगर एसिड रेन के बारे में पढ़ा है तो फिर ये पता होना चाहिए कि एसिड रेन वास्तव में बढ़ क्यों रही है, मानव के द्वारा नाइट्रोजन और सल्फर तो उत्सर्जित हो ही रही है, परंतु वोल्केनो से भी बहुत ज्यादा क्या उत्सर्जित हो रही है, सल्फर उत्सर्जित हो रही है। जैसे अभी व्हाइट आइलैंड थोड़े दिनों ही क्या हुआ था, फटा था, अब उससे वो फैक्ट कलेक्ट करना, वो फैक्ट, एक फैक्ट तुम्हारे आंसर के लिए काम आएगा, इस कारण इसका आंसर डी है। बट अब यही नहीं जानना, ये भी जानना है कि सल्फर किस किस उद्योग से उत्सर्जित हो सकता है, जो उसका पूछने का पैटर्न है। अभी तक तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से क्या प्रदूषक कौन है, ये भी पूछ सकता है, ये प्रदूषक है, ये प्रदूषक किस किस इंडस्ट्री से निकल रहा है। जैसे उसने पूछ लिया, निम्नलिखित में से किस उद्योग से सल्फर उत्सर्जित होता है, कोल, कोयला, स्टील इंडस्ट्री, रिफाइनरी उद्योग। अब इसका आंसर भी तुम्हें यहाँ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्योंकि जब इसने क्वेश्चन पूछा स्टील उद्योग, तो वहां उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, क्वेश्चन नंबर स्टील का कौन सा, फोर्थ, फोर्थ में देखो उसने ऑप्शन दिया है ना कि स्टील इंडस्ट्री से क्या आपका उत्सर्जित होता है, तो उसने एक ऑप्शन दिया है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो ये बैक स्टडी है, क्योंकि यही ऑप्शन से तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर एक ऑप्शन कोल है, सॉरी स्टील है, तो वो आंसर क्या होगा, सही होगा। वैसे ऑयल रिफाइनरी नहीं पता है, पर ऑप्शन में कोल है, कोल से तुम्हें पता है कि, क्योंकि जब तुम्हें ये आइडिया लग रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सा निकाल रही है, तुम्हें ये पता लगना चाहिए कि उस इंडस्ट्री के लिए आवश्यक ओर कौन सा है। अगर वो ओर पता हो जाएगा, जैसे आयरन के लिए है Fe2, अगर Fe2 है तो उससे तुम जब स्टील बना रहे हो तो सल्फर क्या होगी, उससे तो होगी होगी। और कोयले से कैसे, क्योंकि कोयले में हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ा है कि भारत का कोयला जो है उसमें सल्फर कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर अब मैंने यहां ऑप्शन बोला ऑयल रिफाइनरी, अगर हमें ऑयल रिफाइनरी पता तो आंसर करेंगे, पर यह पता होना चाहिए, जैसे कुछ इंडेक्स हैं, ब्रांट ऑयल इंडेक्स, यूपीएससी ने 2011 में, वो क्योंकि वो क्वेश्चन यहां नहीं डाला गया है, वो क्वेश्चन इकोनॉमी के पॉइंट में सग्रेगेट है, बट तुम्हें अगर यह पता है कि ब्रांट ऑयल इंडेक्स कुछ होता है और उसका मापन किस आधार पर होता है, सल्फर के आधार पर, तो अगर वो, तो उससे तुम्हें क्या पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ऑयल से क्या निकल रहा होगा, सल्फर, तो वह तुम्हारे करने का क्या होगा, तरीका होगा। तो इस पेपर से तुम्हें यही नहीं कि निकालना कि आंसर क्या है, इससे तुम्हें बैक में यह भी निकालना है कि इससे वास्तव में वापस क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो अभी हम देखेंगे। ऐसे में क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा जहां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन पड़ा है और तो वो तुम्हें क्वेश्चन याद है, तो आगे फिर उसने क्वेश्चन पूछे हैं जहां पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वह तुम्हें एज ए पता है, तो आंसर निकालने में काम आएगा। इस कारण ये डिजाइन जो किया गया उस तरह किया गया तुम्हें सिमिलर पैटर्न पता लगे, क्योंकि पढ़ते तो हम हर कोई हैं, हमें केवल और केवल पैटर्न को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट फोटोकेमिकल स्मॉग पर क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग,
हिंदी में है प्रकाश रासायनिक धूम। इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है, तुम्हें अब इससे पहचानना है कि यूपीएससी कैसे तुम्हारे माइंड से प्ले करता है। क्योंकि जब फोटोकेमिकल स्मोक हम पढ़ते हैं तो हम पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट याद रखते हैं, और जब वो पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट जब हम याद रखते हैं तो उसने ए और बी दोनों में वो दिया है, क्योंकि एग्जाम। और यह अच्छा मानो कि जो आंसर है वो उसने ए में दिया है, बट अगर यही बी ऑप्शन जो हाँ बी ऑप्शन में तुम्हारा सीओ ऑक्सीजन एंड फिर पैराऑक्सीटाइल नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिया है, अगर यही ऑप्शन ए में होता तुम एग्जाम में इसका आंसर ए मारते, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन पर नहीं जाता, क्योंकि तुम O2 को ही पढ़ते कि यह ओजोन है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल और केवल रहता पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है पेन, तुम्हारा उसी पर ध्यान रहता, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो तुम उत्सर्जन करते हो प्रदूषकों का, वो वातावरण में जब जाता है जब रिएक्शन होती है तब क्या बनता है, प्रदूषक बनता है, और यह सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और खासकर गर्मियों में होता है कि सर्दियों में। जब ये क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए ना, मुख्यतः गर्मी में होता है समर, मुख्यतः है पैन समर में होता है। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नहीं जानना है, जब क्वेश्चन पूछा है उसका बैकरूट सारा ट्रेस करना है, बैकरूट सारा ट्रेस करना है, और जब पता है कि यह पैन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है तो यह भी पता होना चाहिए कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट और कौन सा है, वो है ओजोन। और वो अगर पता है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन होता है, मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट का मतलब वातावरण में जब जाएगा तब क्या होगा, प्रदूषक बनेगा। अगर इतना पता है तो क्वेश्चन नंबर जो 2019 का है बायोमास वाला, कौन सा, फिफ्थ नंबर, वो क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे। अगर इतना पता है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है तो तुम्हारे से देखो क्वेश्चन हो जाएगा फिफ्थ वाला। फिफ्थ में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कौन से बायोमास रेजिड्यू को जब आप बर्न करते हो उसके कारण उत्सर्जित होते हैं। तो यहां पर अब जब तुम्हें पता है ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है तो ओजोन कैसे उत्सर्जित हो जाएगा, जब तीसरा नहीं होगा तो तीसरा कट करो, तीसरा जो ही कट करोगे आंसर बचा 1 एंड 2 एंड 1 एंड 4। अब 1 2 1 4, 1 2 1 4, अब जब 1 2 में देखोगे मिथेन जब है मिथेन को भी जब जलाओगे तो बनेगा क्या, उत्सर्जन क्या होगा, CO2 का ही होगा ना, तो मिथेन कैसे उत्सर्जित हो सकती है, और सल्फर की इंप्योरिटी क्या रहती है, रहती है। ये क्वेश्चन कब, क्योंकि यहां ऑप्शन में 1 2 और 4 दिया ही नहीं है, जब तुमने 3 ऑलरेडी कट किया है तो आंसर तुम्हारे पास बचा या तो 1 2 या 1 4, तब तुम्हें मार्क करना है क्या 1 एंड 4, 1 एंड 4 मार्क करना है, ना कि 1 एंड 2। उसने क्या बोला है, वर्ड पढ़ो, बर्निंग बर्निंग देखो, बर्निंग लिखा है उसने, बर्निंग लिखा है उसने, तब मिथेन होता, वो तो बैक्टीरियल इलेक्शन, बर्निंग लिखा है उसने, बर्न करना, उस कारण आंसर आएगा इसका 1 एंड 4। तो यहां जब तुमने पेन पढ़ा, क्वेश्चन जब दिया है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तुम्हें उसी समय पता लग गया और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, और इस सेकेंड क्वेश्चन से तुम्हें यह पहचानना है कि यूपीएससी ने कैसे ऑप्शन रखता है। पहला ऑप्शन देखो, उसने दिया NO2, O3, पैरा
ऑक्सी पेरोक्सी एसिटाइल एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बी में भी वही है, केवल चेंज क्या किया है, NO2 और O3 को चेंज कर दिया है। और जब हम याद रखते हैं तो जो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है याद रखते हैं, बट एग्जाम में जब सोचेंगे तो खाली इसी को सोचकर आंसर मार्क कर देंगे। तो यह इस ट्रैप से बचना है। तो सेकंड से ही तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन ने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मींस आपका कोल, कोल बेस्ड इंडस्ट्री, उससे क्या उससे? अगर जब तुम कोल यूज कर रहे हो, कोल की जब बर्निंग करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही होगी, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो आपके कोल में सल्फर की इंप्योरिटी है, सल्फर की इंप्योरिटी है तो क्या रिलीज होगी, सल्फर होगी होगी। तो आंसर बच्चा क्या, 1 और 3। अब बट 1, 3 भी ऑप्शन है, 1, 2, 3 भी ऑप्शन है, 1, 2, 3 ऑप्शन है, डी में है तो सही, 1, 2, 3 इंग्लिश में देखो है, ऊपर देखो 1, 2, 3 भी है, 2011 का क्वेश्चन है ये। का पेपर देखो एक बार, है कि नहीं है यूपीएससी का ऑप्शन, तो यह क्वेश्चन तुम्हें एलिमिनेशन से करना है, और जब एलिमिनेशन कर रहे हो तुम्हारी 50% प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, 50% प्रोबेबिलिटी, तुम्हें हमेशा प्रोबेबिलिटी पर खेलना है। यह क्वेश्चन इसलिए है कि यह नहीं कि यह कोल इससे उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा। तीसरा देखो 1, 2, 3 ऑप्शन है, तीसरे में है ना 1, 2, 3, इंग्लिश में गलत हिंदी में टाइप नहीं हुआ होगा, 1, 2, 3 भी है, 2011 का क्वेश्चन है ये, 2011 का, इसलिए ब्रैकेट में ईयर्स भी लिखे हुए हैं ताकि तुम्हें यह आइडिया भी रहे कि 2011 में था तो पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। यह आइडिया पैटर्न तुम्हें जब हम स्पीसीज करेंगे पैटर्न पता लग जाएगा, 11, 12, 13, 14 में बहुत ज़्यादा स्पीसीज पूछता था, 14 के बाद उसने पूछना ही बंद कर दिया। अगर 11, 12, 13 को, जैसे 12 में 3 से 4 क्वेश्चन स्पीसीज पर हैं, पर वापस रिवाइव किया 19 में 2 क्वेश्चन है स्पीसीज पर, 19 में 2 क्वेश्चन है, बीच में देखोगे 15, 16, 17, 18 वहाँ स्पीसीज पर क्वेश्चन बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत कम है, पर 11, 12 में ज़्यादा थे। पर ये क्वेश्चन कर रहे हो, इस क्वेश्चन से तुम्हें टेकल करना आना चाहिए अदर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं, तुम्हें अन्य क्वेश्चन को टेकल कैसे करना है। जैसे स्टील वाला है, स्टील इंडस्ट्री, अब स्टील इंडस्ट्री तुम्हें पता नहीं होगा क्या निकल रहा है, बट तुम्हें यह पता होना चाहिए कि स्टील इंडस्ट्री बनाने के लिए आपका और कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। वहां कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, डोलोमाइट, लाइम, एज लाइम यूज होता है, तो जब यूज हो रहा है तो CO3, वैसे भी जब बर्न करोगे कुछ भी क्या यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर स्टील है Fe2, तो सल्फर भी निकलेगी। तो ऑप्शन अगर उसका देखोगे फोर्थ वाले का, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी निकलेगी ना। अब जब वो निकलेगी तो देखो 1, 3, 4 ये तो आंसर है ही है, बट फिर यहां से नाइट्रोजन भी क्या हो रही है, निकल रही है, नाइट्रोजन की क्या रहती है हमेशा इम्प्योरिटी, 1, 2, 3, 4 आंसर है इसका। पीछे देखो, पीछे भी आंसर लिखा होगा सारे, पीछे देखो सबसे लास्ट में आंसर भी दिया होगा सारे, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा सारे, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी। हाँ, अमीनो एसिड जो आपके जीवाश्म है उसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस तो रहती है ना, उससे निकलेगा आंसर, नाइट्रोजन रहता है ना एज ए अमीनो एसिड्स, वो सोचना होगा। अब यहां पर तुम्हें काम आएगा तुम्हारा साइंस, और साइंस से फिर ऐसे, क्योंकि इन क्वेश्चन को ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे रट्टा होना चाहिए, क्वेश्चन को ऐसे सोचना है कि क्या पता है उससे आंसर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन जो है इस तरह नहीं सोचना, यही क्वेश्चन रट्टा मारना है,
सोचने का तरीका, इससे क्या और क्वेश्चन बन जाएगा कि मेरी ये मदद कर देगा, ये भी पता लगेगा आगे जब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर देखो तो क्वेश्चन पांचवा हो गया। छठा, छठा उसने एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पूछा है। यह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है क्वेश्चन इसलिए पूछा था उस समय क्योंकि यह न्यूज में था, न्यूज में था तो इस कारण यह क्वेश्चन था। अब जब इसने पूछा है तो कई लोग कहेंगे कि हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में सारी गैसेस पता होनी चाहिए। वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसेस हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरह ही आपका एक और है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें है 12 प्रदूषक, AQI में 8। बट जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो जब हम कॉमन सेंस सोचते हैं कि प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट वह है जब AQI पढ़ रहे हैं और हमने इस तरह रिमेंबर किया है कि CO2 तो इसमें है ही नहीं, और बाकी 7 याद नहीं किया। अगर CO2 नहीं है उसको हटाते ही आंसर आ रहा है। CO2 जो ही हटाओगे, CO2 ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में, ऑप्शन 1 है या 3 है, 1 है, 1 हटाओ बचा क्या, CO2 किसमें है, 1 है ना, एज ऑप्शन 1 है ना, 1 हटाओ आंसर बचा 2, 3, 4। बी, ये करने का तरीका है। पर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पता है तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स भी पता होना चाहिए, फिर तुम्हें सेपी भी पता होना चाहिए, CEPI, फिर तुम्हें सफर भी पता होना चाहिए, वो सारा लिंक पता होना चाहिए। और जब AQI पता है तो तुम्हें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी पता होना चाहिए, NCAP जो 2019 में लॉन्च हुआ है, क्योंकि वो इसका पूछने का जो तरीका है उससे ये पता लग जाना चाहिए कि अदर एरिया कौन से हैं जो मुझे पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्वेश्चन पूछा है ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से प्रदूषक मिलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर बार बार हम देखते हैं कि आर्सेनिक बंगाल में, फ्लोराइड राजस्थान में, यूरेनियम पंजाब में। अब 135 तो है पर इसमें 1, 2, 3, 4, 5 भी ऑप्शन है, बट 135 से तुम क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, आंसर या तो सी होगा या डी होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग है साइंस टेक और एनवायरमेंट तभी तुक्का मारोगे, नहीं तो नहीं मारोगे, जब श्योरिटी होगी तभी मारोगे। वैसे सोर्बिटॉल एक तरह से स्वीट शुगर है, एल्कोहल जो प्लांट्स में मिलता है, ये पानी में नहीं मिलता है। और फॉर्मल्डिहाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, वो भी नहीं मिलता है, आंसर इसका 135। बट जब यहां सोर्बिटॉल आया है, सोर्बिटॉल के बारे में पता होना चाहिए, सोर्बिटॉल एक अल्कोहल है, ये तुम्हारा शुगर अल्कोहल है जो फ्रूट्स में मिलता है। और मानव में इसका जो उपापचय है वो धीरे धीरे होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है सोर्बिटॉल का। और जो फॉर्मल्डिहाइड है वो आप बनाते हो मिथेनॉल से, मिथेनॉल से भी बनाते हो, उसके लिए एक कैटलिस्ट यूज करते हो सिल्वर, सिल्वर की प्रेजेंस में आप क्या बनाते हो, मिथेनॉल से क्या बनाते हो, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड क्या यूज होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव। क्वेश्चन ये भी हो सकता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर क्या क्या यूज करते हो, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं कि ऑप्शन के थ्रू आंसर क्या, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन और बन सकते हैं। किसमें क्वेश्चन नंबर, नहीं मिथेन नहीं है, वो तो हो गया पहले ही, उसका आंसर तो 1 और 4 है, नहीं है, नहीं, बर्निंग लिखा है वहां, CH4 उसने बर्निंग नहीं लिखा है, CH4 रिलीज होता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बर्निंग पूछा है, क्वेश्चन ने बर्निंग पूछा है, नहीं बर्निंग पूछा है, बर्न करने पर रिलीज होता है क्या, क्वेश्चन देखो पढ़ो ध्यान से,
बर्न करने पर, और अगर देखोगे तो इस पर एक रिसर्च पेपर भी है, सीधा लिखा है क्या रिलीज होता है, ओजोन तो वैसे ही रिलीज नहीं हो सकता। जो कई और रिपोर्ट है उसमें दूसरा लिखा है, अब यही होगा यूपीएससी क्या मानेगा, पर ओजोन तो नहीं होगा, क्योंकि कई कई पेपर्स ने साइड किया ओजोन भी, बट इसका जब आंसर आएगा यूपीएससी जो मानेगा 1-4 मानेगा या 1-2 मानेगा, क्योंकि आंसर बी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर फिर यूपीएससी जो की में आएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग 1 और 4 होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सल्फर रहता है, तो आंसर या तो ए होगा या डी होगा। तुम्हें ओजोन से तुम क्या कर सकते हो, एलिमिनेट। नेक्स्ट अगर देखो तो इसका पूछने का तरीका, जो उसने पूछा है ई वेस्ट से, 8 नंबर, 8 नंबर ई वेस्ट है, यह क्वेश्चन तुम्हारा करने का तरीका क्या होगा, इसमें करने का तरीका यह होगा ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। अब इसने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सबसे नीचे दिया प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम होता है रेडियो एक्टिव, और हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं और रेडियो एक्टिव है तो मानव के लिए खतरनाक होगा, और जब मानव के लिए खतरनाक होगा तो उसकी आयु कम कर देगा, तो 7वां कैसे हो सकता है, 7वां हटाओ आंसर है। वो सोचने का तरीका है, मतलब कंप्यूटर नहीं, ई वेस्ट कुछ भी, उसकी पेनेट्रेशन पावर क्या होता है ज्यादा, तो क्रोमियम क्या है इसमें नहीं हो सकता यूज, कैडमियम भी होता है, तो यहां से तुम्हें 7 नंबर हटाओ, सबसे इजी एंड सेफ ऑप्शन है, और एक ऑप्शन और हटा सकते हो जिससे भी आंसर आ जाएगा 4। 4 भी देखो ऑप्शन में, अगर किसी को 4 भी पता है, हेप्टाक्लोर, ये हेप्टाक्लोर जो है एक इंसेक्टिसाइड है और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, जब वो वहां यूज हो रहा है तो ई वेस्ट में कैसे यूज होगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होगा, हेप्टाक्लोर जो है क्या है, कीटनाशक है, एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, पीओपी, तो अगर वो है, बट वो उसी को पता होगा जो कृषि कार्य में संलग्न है, अगर खेती की है किसी ने तो उससे भी वो आंसर कर सकता है इसका, क्योंकि 4 हटा दो, देखो 4 हटाओगे तब भी आंसर आ रहा है, बट जब यहां हेप्टाक्लोर है तो हेप्टाक्लोर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, सीधा सीधा पायरोलिसिस में पूछा, तो मतलब क्या है इसका फिक्स पैटर्न है कि एक ना एक क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है, प्रदूषण पे पूछ रहा है, और पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी तो वो तो ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी वो तो कंसर्न नहीं है हमारा। क्वेश्चन है फिर 11th नंबर, 11th नंबर उसने प्रदूषण में पूछा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग इंपेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर कैसे कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर के दो स्रोत होते हैं, एक तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल है आपका ट्रीज, और ट्रीज में भी बिग ट्रीज, और यहां उसने क्वेश्चन पूछा है आर्टिफिशियल पर, आपका ओशन भी क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का माध्यम है, जब यह माध्यम है तो यह क्वेश्चन जो उसने उठाया है यूपीएससी एनवायरमेंट में, एक और क्वेश्चन का तरीका है कि सीधा सीधा वो वेबसाइट से क्वेश्चन उठाता है, सीधा सीधा वो वेबसाइट से ऑप्शन पिक करता है, ये तीनों ऑप्शन तुम देखोगे जो उसने दिए हैं, सीधा सीधा यूएस की जो वेबसाइट है एनओएए, नेशनल ओशनिक एटमोस्फेरिक, जो उसकी वेबसाइट है उस पर सीधा सीधा ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डालोगे और नेट पे पढ़ोगे सीधा सीधा उसने ऑप्शन तीनों वहीं से उठाए हैं, और ये है भी वैसे बेसिक का ही पार्ट है जहां उसने कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चरिंग का तरीका तुमसे पूछा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, और ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है वापस, और सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन था तीसरे में कि जो उसने दिया है तीसरा ऑप्शन
भूमिगत गंभीर लवणीय शेल समूह है, हिंदी अर्थ का अनर्थ कर दिया है यूपीएससी ने। सबटेरेनियन डीप स्लाइन फॉर्मेशन, गहरे लवणीय वही कह रहा हूं, वही गड़बड़ कर दिया ना, सोच में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें एनवायरमेंट हमेशा इंग्लिश में पढ़ना है। सबटेरेनियन मींस टेरेन के नीचे, स्लाइन फॉर्मेशन और वो सीधा वहां पर वर्ड है ये, बट ये कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का बेसिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2011 में उसने पूछा है वो सीधा सीधा करंट में था उस समय, बायो रेमिडिएशन टेक्निक पर, जैव उपचार, ओलिजापार, वनलाइनर। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी बैक्टीरिया जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित न्यूज में है, या कोई भी जीव जो पर्यावरण प्रदूषण के कंटेक्स्ट में न्यूज में है, जब हम कुछ भी करंट पढ़ेंगे वो हमें देखना होगा। इस क्वेश्चन से यह पता लगाना है, यह क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं, तुम्हें इससे यह पता लगाना है कि तुम्हारा पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। याद कर सकते हो, जैसे अभी हिमालयन गोल्ड न्यूज में था कैटरपिलर, वो हिमालयन गोल्ड न्यूज में है, वो तुम्हें हिमालयन गोल्ड फिर पता होना चाहिए कि पूछेगा क्यों, वो तुम पढ़ क्यों रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। अदरवाइज तो पढ़ने को बहुत चीजें हैं, तुम कैटरपिलर वो पढ़ रहे हो, हिमालयन गोल्ड वो पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह पूछा है उसने, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। 2016 में उसने बनाना की एक वैरायटी पूछी थी, वो क्यों पूछी है, इस क्वेश्चन से हिंट पता लग जाता है कि वो इस तरह पूछ रहा है। इस पैटर्न से तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अगर देखो 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन आंसर दस रह गए क्या, सेक्वेस्ट्रेशन हो गया ना, तो सीक्वेंस गड़बड़ होगी। 10th नंबर, ओके 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड किससे ऐड होती है, पैटर्न क्या है, सेम है ना। अब इस क्वेश्चन में उसने दो अपोजिट थॉट एक साथ दिए हैं, जहां उसने फोटोसिंथेसिस भी दिया है और रेस्पिरेशन भी दिया है, और दोनों में से एक में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और दूसरे में क्या होती है, कंज्यूम। बस इतना पता है तो आंसर हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कंज्यूम होता है, रेस्पिरेशन में क्या होती है, उत्सर्जित। एक हटाओ, फिर देखो अब मैंने क्या कहा था, वोल्केनो, अगर तुम्हें वोल्केनो पता है, जब ये पता कि सल्फर भी निकलती है और वोल्केनो से CO2 भी निकलता है, जैसे अभी न्यूज में रहा कि तुम्हारा व्हाइट वोल्केनो फटा था, तो व्हाइट वोल्केनो फटा तो उस समय करंट में पूरा खबर आई थी कि क्या क्या उत्सर्जित हुआ है, उससे खाली एक लाइन पिक किया, वो एक लाइन कहाँ आएगी, यहाँ यूज होगी, कि उससे CO2 भी क्या होती है, निकलती। इसने ऑलरेडी पूछा हुआ है, जो तुम्हारे लिए करंट है वो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, जो तुम्हारे लिए बेसिक है वो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, बट हम कभी भी पेपर ध्यान से देखते ही नहीं है, और हमारा ये पैटर्न भी नहीं होता कि हमें इस तरह यूपीएससी के पेपर को देखना है, क्योंकि अगर ये थॉट पता लग जाएगा तो बहुत आसान है ये पेपर, और वो अपने ही थॉट को रिपीट करता है। इसका आंसर क्या है, 2, 3, 4 डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सबको पता होगा। अब ये चार ऑप्शन नहीं, ये चार ऑप्शन तुम्हें याद रखने हैं कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा CO2, और तुम्हें तीन ऑप्शन उसने और दिए जो तुम्हें नहीं पता है, पर तुम्हें ये चार पता होने चाहिए कि इनसे क्या होता है, आंसर निकल जाएगा। क्योंकि इसमें मैं ये थॉट डाल नहीं सकता था कि तुम्हें यह समझाओ कि ये ऐसे लिंक है, इसमें यह तो कोशिश की है कि तुम्हें पैटर्न पता लग जाए, पर उस पैटर्न के अंदर झांकना क्या है वो तुम्हें पता नहीं लग पाएगा जब तक तुम सुनोगे नहीं कि तुम्हें किस तरह करना है, कैसे वो लिंक हो रहा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर देखो 11 हो गया 11, नेक्स्ट 12 नंबर हो गया, 13 नंबर, और 13 नंबर इस साल अगेन क्वेश्चन हो सकता है,
और इसका कारण बता देता हूं, 2018 सॉरी 19 में यूपीएससी ने नाइट्रोजन पर क्वेश्चन पूछा, नाइट्रोजन पोल्यूशन पूछने का उसका कारण था, ये जुलाई में न्यूज में था, नवंबर में न्यूज में था, फरवरी में न्यूज में था। और जब उसने नाइट्रोजन पर क्वेश्चन पूछा, अभी हम देखेंगे उसको आगे जो लेक्चर होंगे, उसने एक ऑप्शन हूबहू रिपीट किया 19 में। और ओशन इस समय न्यूज में है क्योंकि हमारे आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, स्पेशल रिपोर्ट। और अभी जो मैड्रिड में COP25 हो रहा है, वहां कंसर्न व्यक्त किया गया है ओशन की वार्मिंग को लेकर। तो तुम्हें एज ए ओशन इकोसिस्टम होल पढ़ना होगा, तब तुम्हें ओशन की एसिडिटी को भी देखना है, ओशन की वार्मिंग को भी देखना है, और वार्मिंग हो क्यों रही है वो भी देखना है। और जब एसिडिटी का देगा तो ठीक है, तुम्हें ऑप्शन नहीं आता हो, बट अगर ये 13 क्वेश्चन से तुम्हें आंसर कुछ पता है तो तुम्हें एक हिंट जरूर मिल जाएगा, तुम्हें एक हिंट जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन ने दिया है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग, तो इसने खाली अम्लीकरण के प्रभाव पूछे हैं, अम्लीकरण क्यों हो रहा है वो नहीं पूछा है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, द ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल ऑफ कैलकरियस फाइटोप्लैंक्टन्स विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। अब तुम्हें पता होना चाहिए कैलकरस, कैलकरस है तो है क्षार, बेसिक CaCO3 है ना। अब उसमें अगर अम्ल मिलाओगे, अगर जो साइंस के हैं वो उस तरीके से कर सकते हैं तो क्या होगा, तुम्हारा खराब होगा वो, तो पहला क्या होगा, सही होगा। ये तब कैसे कर रहे हो, जब तुम्हें आंसर नहीं पता है, जब तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, जब तुम्हारा बेसिक साइंस स्ट्रांग है, उससे कर रहे हो। उसको ऐसे नहीं करना कि मुझे आता क्या है। फिर उसने पूछा है ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ, जब पहला होगा तो तीसरा भी होगा, दूसरा भी होगा, क्योंकि कोरल रीफ बनते किससे हैं, CaCO3 पॉलिप्स। तो वन एंड टू सही है, तो वन एंड टू जब सही है तो आंसर या तो ए होगा या डी होगा, ए होगा या डी होगा, ए या डी होगा, वन टू। क्वेश्चन नंबर 13 ना, लास्ट में डी में 1 2 3 4 भी करो, डी में 1 2 3 4 भी है, डी में 1 2 3 4 है, तो ए होगा या डी होगा, ए या होगा, मैंने अभी आंसर बोला ही नहीं है, आंसर या ए होगा या डी होगा। अब देखो थर्ड, थर्ड क्या कहता है कि द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टन लार्वा विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स अम्लीयता कारण क्या होंगे, जैसे अगर किसी पेड़ पर भी डाल दो अम्ल क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है ना, तो वो भी होगा, तो 1 2 3 तो है ही है। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है, वो कई बुक्स जब तुम देखोगे उन्होंने आंसर माना है 1 2 3 4, बट यूपीएससी की आंसर की में है ए 1 2 3। क्यों, क्योंकि क्लाउड सीडिंग में तो आप सिल्वर या आयोडाइड वगैरह क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तब वो सीडिंग होती है, उसका और एसिडिफिकेशन का लेना देना क्या है, इसलिए आंसर है ए अकॉर्डिंग टू यूपीएससी की। कई बुक्स देखोगे उन्होंने आंसर दिया है 1 2 3 4, जो भी ये आंसर है सारे यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। और हां, एग्जाम में सोचने का तरीका अगर होगा अलग तो 1 2 3 4 भी आंसर आ सकता है। तो तुम्हें इन क्वेश्चन से अपनी सोच पर भी लगाम लगाना है कि तुम्हें कितना ज्यादा सोचना है, कितनी अपनी सोच को एक्सटेंड करना है, कहीं जगह तुम्हें एक्सटेंड करना है, कहीं जगह लिमिट करना है। जैसे इकोनॉमी में तुम्हें अपनी थॉट को पूरा एक्सटेंड करना है, वहां लिमिट नहीं करना है, वहां लिमिट कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, वो भी सोचना है। इसलिए यूपीएससी में होता है कि रूम के अंदर आंसर सही लगता है, रूम के बाहर आंसर गलत लगता है, और वही स्कूल से बाहर आंसर फिर गलत लगता है, तो आंसर का पैटर्न चेंज होता है, कभी ए आंसर होता है, कभी बी होता है, कभी सी होता है, क्योंकि वो थॉट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो थॉट चेंज हो रहा है। तो वो थॉट कैसे लगाम लगाओगे वो तुम्हें क्वेश्चन से देखना है। क्लाउड सीडिंग में आप एक्शनल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और ये दो तरह की होती है, दो या तीन तरह की, एक बार मैंने पढ़ाया था, तीन तरह की होती है। तो इसमें तुम सिल्वर वो तो तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एसिडिफिकेशन से होगा क्या, नहीं। और एडवर्सली कैसे, जैसे एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन जो हो भी हो रहा है वो वार्मिंग की वजह से हो रहा है, जब वार्मिंग हो रही है तो वाष्पीकरण वैसे भी क्या होगा, ज्यादा होगा आपका,
एडवर्स नहीं, हो सकता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ये भी सोचने का तरीका हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन इसने दिया है प्रतिकूल, एडवर्स, ये तुम्हारे सोचने का तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट उसने जो 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर ना, इस 14 नंबर क्वेश्चन को तुम नेक्स्ट सेशन के 21 नंबर क्वेश्चन के साथ पढ़ो। जो 14 है उसको स्पीसीज के 20 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन के साथ पढ़ो और एक साथ पढ़ो 21। एक ऑप्शन सेम है ना, पोलिनेटिंग, प्रकीर्णन, और वो जो तुम्हारा वो क्वेश्चन है 14 नंबर, वो भी किस पर है, डिजीज पर है, स्प्रेड आउट, जब बर्ड पोलिनेटिंग एजेंट है, जब उसके संपर्क में आ रहा है तभी तो आगे जा रहा है ना, तो पक्षी अगर किसी और के संपर्क में आएगा तो डिजीज स्प्रेड करेगा, है ना। तो उससे तुम यह पता लगा सकते हो कि अगर वर्न सही है 14 नंबर क्वेश्चन में, अगर वन अगर सही है तो तुम्हारा आंसर या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। ए होगा, वन होगा, सी होगा या डी होगा। अब इसमें सोचने का तरीका होना चाहिए। डस्ट ब्लोइंग, मिट्टी चलती है, विंड, विंड जब चलती है तो उसके साथ क्या होते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं। तो अगर वन सही है तो वन एंड टू सही है, वन एंड टू सही है तो आंसर क्या होना चाहिए, सी या डी, सी या डी। तो सी या डी है तो चौथा तो होगा ही होगा, मतलब चौथा फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही होगा, बचा क्या, रेन। अब इसमें सोचने का तरीका अलग है, और जो सोचने का तरीका अलग हुआ आंसर लगा जाएगा। अगर ये सोचा रेन है, ऊपर से कौन सा बरसेगा तो डिजीज नहीं फैल सकती, यह सोचा तो आंसर क्या है, सी, मींस 1 2 4। बट यह अगर सोचा रेन है, बूंद गिरी, बूंद गिरकर वापस दूसरे पर, तो इसलिए संपर्क में आई, संपर्क में आने पर क्या हुआ, डिजीज फैली। अगर यह सोचा तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, और यूपीएससी का आंसर है 1 2 3 4। सोचने का तरीका क्या बोला मैंने, ये सोचने का तरीका है ना। कई लोग इस तरह सोचेंगे, कई लोगों का बेसिक साइंस स्ट्रॉन्ग को सोचेंगे कि एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं और फ्रीली वो, कई कुछ जीव हैं फ्रीली रहते हैं, बारिश बरसेगी वो उससे क्या आएंगे, नीचे आएंगे। सोचने का तरीका, तो अभी मैंने क्या बोला, एग्जाम में आंसर क्यों डिफरेंट होता है, उस थॉट के कारण डिफरेंट होता है, तुम सोच क्या रहे हो। अभी जो मैं कई बार बोलता था कि तुम्हारा आंसर अलग होगा कहीं और, तो लोग बोलते सर ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इस कारण अलग होता है, तुम सोच कुछ और रहे हो, वहां कुछ सोच और रहे हो, और वहीं कोई तुम्हें थोड़ा हिंट दे दे, ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, आंसर अलग हो जाएगा। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है यूपीएससी का, ऑल दो वो यहां नहीं है, एक्चुअल में वो क्वेश्चन चला गया है साइंस टेक में, जो क्वेश्चन उसने लीड पॉइजनिंग पर पूछा है वो 2012 का क्वेश्चन है, वो भी सेम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, बट वो एक्चुअल में साइंस टेक में, मतलब डिवाइड करते समय साइंस टेक सेक्शन में चला गया है, तो एक और क्वेश्चन लीड पर भी है, ठीक है। तो मतलब ये थॉट तुम्हें देखना है, क्योंकि वो ऐसे जब पढ़ोगे तो उस थॉट से ही तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो यहाँ है, उस समय करते समय वो साइंस टेक सेक्शन में चला गया है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ के ऐसे भी हैं जो खासकर ऑर्गेनाइजेशन में, जो यहाँ नहीं है बट वो ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो उस समय करंट में थे, इसलिए तुम्हें हो सकता है, क्योंकि इसको जहां तक रहे है एनवायरमेंट को स्ट्रिक्ट किया है, स्ट्रिक्ट करने के बाद एनवायरमेंट में टोटल देखो 153 के आसपास क्वेश्चन है, 153 ऑन एन एवरेज, 9 साल लगा लो, 9 साल, 9 सालों में ऑन एन एवरेज 153 क्वेश्चन, एवरेज कितना हो गया,
16 क्वेश्चन, और उसमें अगर थोड़ा लूज कर दोगे एनवायरमेंट के मैपिंग यहां शामिल कर दोगे तो क्वेश्चन कहां चले जाएंगे, 20 से 22, और फिर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल कर दोगे 24-25 चला जाएगा एनवायरमेंट से। तो ऐसा नहीं है, ये सारे क्या है, ओवरलैप है, ये एनवायरमेंट, यही एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज देखो, इसमें तुम्हें और पैटर्न अच्छे से पता लगेगा। इस स्पीशीज में यूपीएससी का जो पूछने का ढंग है वो एक तो पूछता है उसकी कैटेगरी क्या है, किसमें, आयुषियन, फिर दूसरा जो पूछता है उसका नेचुरल हैबिटेट पूछता है, उसका आवास क्या, प्राकृतिक। तीसरा जो वो पूछ रहा है अगर थोड़ा साइंस टेक है तो वो साइंस टेक की नजर से कई बार पूछ ले रहा है उसका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। साइंस में वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण होता है तो वो पूछ लेता है, मतलब कौन सा किस फॉर्म में, मतलब जैसे फैमिलीज में है, जैसे हम होमोसेपियंस इस तरह। बट वो क्वेश्चन टफ होते हैं, वो दो क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछे हुए हैं उसने, बट अभी आजकल उसने बंद कर दिया है। फिर इसमें वो किसी एक स्पीसीज के बारे में तुम्हें स्पेसिफिक पूछ लेगा, वो जहां उस स्पीसी के बारे में स्पेसिफिक रहेगा कि उसी स्पीसीज को वो तुम्हें अच्छे से पूछेगा वो। ये इसका इस सेक्शन में पैटर्न है, और इस सेक्शन में यह भी पैटर्न है कि अगर उसने पीछे पूछा हुआ है तो उसी को एक ऑप्शन बनाकर, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तुम्हें पूछेगा। इसको मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर एक साथ देखो तुम, 5वां, 9वां और 16वां। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर देख लो, फिर उसके बाद जाओ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 16 पर। पहले फिफ्थ का आंसर देख लो कि फिफ्थ का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का तुम आंसर देख लो एक बार, और फिफ्थ को आंसर देखकर तुम जाओ क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 16 पर। फिफ्थ का आंसर है क्या वैसे, सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 16 देखो, फाइव नाइन एंड सिक्सटीन, कुछ सिमिलरिटी पाई, कुछ सिमिलरिटी मिली कि नहीं मिली। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है एक स्पेसिफिक जीव पर है, वो स्पेसिफिक जीव क्या है, डुगोंग, समुद्री गाय, वो पैटर्न नहीं करना है, पैटर्न कुछ और फाइंड आउट करना है। जब उसने समुद्री गाय पूछा तो उसका पहला है ऑप्शन हर्बीवोरस मराइन एनिमल, शाकाहारी, समुद्री, क्या है, स्तनधारी। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा कि कुछ समुद्री स्तनधारी शाकाहारी होते हैं, पूछा है ना, वो थर्ड ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। पूछा उसने पहले भी कब है,
ये क्वेश्चन है 2015 का, और वो क्वेश्चन कब का है, 2019 का, 2019 का है ना। फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछा है 15 नंबर, जो तुमने 15 नंबर दिखाया था, और उस 15 नंबर में 9 नंबर में उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन से जो एनिमल है वो है क्या है, स्तनधारी। तो उससे सीखाओ, एक ऑप्शन तो मिला ना कम से कम। और ये क्वेश्चन है तब 2013, तो 2013 से गया 15, मतलब 9वां नंबर सबसे पहले है, 9वां के बाद 5वां, और 5वां के बाद 16। तो 9th नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि हम ईयर के हिसाब से जाएं, तुम्हें 5th नंबर का एक ऑप्शन सॉल्व करने में मदद मिली है कि नहीं मिली। बट जब इसने 9th नंबर पूछ लिया था सीकाऊ, तो सीकाऊ के बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए था उस समय। डुगोंग समुद्री गाय है जो शेलो वाटर में मिलती है, यह शाकाहारी है और स्ट्रिक्टली मरीन है, ऐसा नहीं कि स्वच्छ पानी में, स्ट्रिक्टली मरीन है, पूरा स्ट्रिक्ट तौर पर क्या है, मराइन एनिमल है, ये मेमल है, और खाने के लिए समुद्री घास का उपयोग करती है, सी ग्रास। और सी ग्रास हमेशा होती कहाँ है, छिछले समुद्र में, तो छिछले समुद्र में रहती है, और ज्यादातर आपका कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार। और एनसीईआरटी अगर देखो 11th क्लास की, इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, उसके लास्ट चैप्टर में डुगोंग की फोटो है और वहां ये दिया हुआ है, वहां पूरा डुगोंग के बारे में नहीं दिया, खाली डुगोंग की फोटो है। और ये डुगोंग है, यह है तुम्हारे एक इंडिया का स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उसके अंदर वर्तमान में भी 21 स्पीसीज हैं, पिछले साल तक 17 थे, इस बार 4 और एड हुए, और उन पर 21 में 21 पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, और वहां डुगोंग है, उन 21 में डुगोंग है और यूपीएससी ने पूछा है। पैटर्न क्या है उसका, अपने ही क्वेश्चन को क्या कर रहा है, इधर उधर पूछ रहा है, हम उस पैटर्न को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोग बोलते हैं पेपर अजीब आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और पढ़ाया भी नहीं गया है, दोनों चीजें हैं। और पढ़ाया नहीं गया तो पेपर देखकर खुद पता लग सकता है कि पूछ क्या रहा है। छिछला वाटर, छिछले पानी में समुद्री घास, क्यों शाकाहारी होगी, तो डीप वाटर में तुम शैवाल मिलेंगे खाली। थर्ड नंबर कर रहे थे ना, कौन सा, फिफ्थ कर रहे थे ना, और ये शेड्यूल वन में। तो एक तरीका और है उसका पूछने का, ये जो है इसके क्वेश्चन जो थर्ड नंबर ऑप्शन है, तो सबसे लास्ट में एक और होगा तुम्हारे पास इंडियन एक्ट एंड लॉज कैटेगरी में, वहां पर शेड्यूल वन के क्वेश्चन डले हैं। तो यूपीएससी का एक और पैटर्न है, वो तुम्हें एक्ट पर क्वेश्चन पूछता है, जो भारत सरकार के अधिनियम है, वो तुम्हें अलग से कैटेगरी मिलेगी, जहां अलग से क्वेश्चन उसमें अलग से डले हुए हैं, लास्ट कैटेगरी में होंगे, सबसे लास्ट में जहां कैटेगरी डली होगी एक्ट लॉज एंड रूल्स, वहां पर सारे हैं, वहां पर जो है ये सारे हैं। और अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन डुगोंग क्या है, वल्नरेबल, वल्नरेबल सुभेद्य। शेड्यूल वन में तो आपका इंडियन कानून है ना, उसको जितना ज्यादा खतरा है वो हम आयुषियन के अकॉर्डिंग थोड़ी ले रहे हैं। बट हाँ, जैसे आपका ब्लैक बक लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल वन में है, किसको यहां कितना खतरा है, समझ में आ रहा है। और ये कैटेगरी चेंज होती रहती है, तो यहां यूपीएससी ने दो क्वेश्चन के आंसर जो दिए हैं ना, 19 में उनके आंसर चेंज हो जाएंगे, 19 में उसके आंसर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है।
तो ये पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, स्टेट बटरफ्लाई किस राज्य ने घोषित किया है? तो करंट में कोई राज्य एनवायरनमेंट के संदर्भ में कुछ एक्ट लेता है, वो कदम तुम्हें क्या होना चाहिए? याद। तो वो वन लाइनर क्या होना चाहिए? याद। अब याद नहीं होना चाहिए, बट अभी कुछ राज्य कुछ भी करता है, जैसे अभी पापिकोंडा में आंध्र प्रदेश ने बटरफ्लाई के लिए क्या काउंटिंग की है, तो वो पूछ सकता है कि हाल ही में पापिकोंडा किस संदर्भ में न्यूज में था। खत्म, वन लाइनर। तो इससे क्या पता लगेगा कि एनवायरमेंट में अगर कोई न्यूज ऐसे चर्चा में है तो तुम्हें याद रखनी, जैसे यूपी ने किया, जटायु की तरह ही वल्चर कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया है, इस तरह याद होना चाहिए। तो अब वो याद होना चाहिए, यूपीएससी ये पूछेगा निम्नलिखित में से कहां कहां वल्चर के लिए कंजर्वेशन सेंटर स्थापित है। पांच पूछ लिए, तुम्हें यूपी याद है, और हो सकता है कि यूपी से ही तुम्हारा आंसर बन जाए। तो पता किस लगाना है? यूपीएससी ने इस तरह पूछता है, तुम्हें इस तरह पिक करना है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, तो ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा जो मैं अभी बोल रहा था टेक्सोनोमी उस कंटेक्स्ट में है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा साइंस में भी जा सकता है। ये क्वेश्चन जहां उसने पूछा है क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इसने ऑर्डर पे पूछे हैं, साइंस में भी जा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं और तुम्हें लगता नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है, बट आ चुका है तो क्या करना है, थोड़ा स्टडी कर लेना है। नहीं, 2 नंबर नहीं, कहां, अभी अभी हम आ रहे हैं आगे, 2 कर रहे थे। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी की आंसर क्या है? तीसरा का आंसर क्या है यूपीएससी के अकॉर्डिंग? इसने क्वेश्चन पूछा है एंडेंजर्ड स्पीसीज, आंसर क्या है? ए है ना, ए है ना, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उस समय एंडेंजर्ड था, अब क्या हो चुका है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आईयूसीएन की वेबसाइट पर अभी भी उतना ही लिखा हुआ है, एक्सटेंट का मतलब तो एक भी नहीं है। अभी आईयूसीएन की वेबसाइट मैंने अभी चेक की है, वहां पर अभी भी वही लिखा है, बट ये क्वेश्चन आंसर अब अलग हो जाएगा क्योंकि इनमें अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें देखो तो रेड पांडा, रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट और चाइना उधर की तरफ मिलता है, ये क्या है, एंडेंजर्ड है। रेड पांडा अभी भी क्या है, एंडेंजर्ड है। फिर मस्क डियर अभी भी एंडेंजर्ड है, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाकिस्तान और भारत में ही मिलता है, बस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और बस्टर्ड की कितनी प्रजातियां भारत में मिलती है? वो वल्चर है, वल्चर और बस्टर्ड। तो जब पढ़ते हो बस्टर्ड से तुम्हें कंफ्यूजन होगा वल्चर पर, समझ में आ गया? तो जब पढ़ते हो तो ये तरीका होना चाहिए कि अगर बस्टर्ड है तो मुझे कौन सा और ऐसा है जो यूपीएससी पूछे, क्योंकि पैटर्न जब फाइंड आउट करोगे तो यूपीएससी का ये पैटर्न है जो इसमें तुम्हें नहीं, खासकर तुम्हें इकोनॉमी और जियोग्राफी में मिलेगा, कि अगर वो ऑप्शन दे रहा है जो तुम सोच रहे हो और सिमिलर कोई और है, तो एक स्टेटमेंट देगा, उसमें स्टेटमेंट घुसाएगा दूसरी संस्था का, जैसे मान लो आईओआरए है तो लिखेगा आईओआरए के बारे में, बट उसका जो स्टेटमेंट होगा वो देगा तुम्हें आईओएनएस के बारे में, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। अगर तुम्हें एलिनो पूछ रहा है तो एलिनो की कंडीशन बताएगा लानिना की, और लानिना की कंडीशन बताएगा एलिनो की, और आंसर गलत आएगा। ये पेपर देखने पर पता लगेगा, गलती तुम करते नहीं हो, गलती तुमसे करवाई जाती है, ये हमेशा याद रखना, गलती तुमसे करवाई जाती है, तुम मिस्टेक कभी नहीं करोगे, तुमसे करवाई जाएगी। और यहां पर फिर जो ब्लू बुल है, ब्लू बुल को बोलते हो नीलगाय, ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से होगा, नीलगाय तो बहुत मिलती है लेस्ट, और वर्मिन है, जो वर्मिन है वो कभी भी एंडेंजर्ड नहीं हो सकता। ऐसे ही रेसेस मकेक भी लिखा होगा, सामान्य बंदर मिलते ही रहते हैं, वर्मिन है, वर्मिन है तो वो एंडेंजर्ड कभी नहीं हो सकता।
ऐसे क्वेश्चन अब पूछना बंद कर दिया है, पर ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं पता होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए एलिमिनेशन होगा उससे। तो यहां से तुम हटा कर आंसर आएगा, पर अब आज की डेट में इसका कोई भी आंसर नहीं, आज की डेट में, आज की डेट में इन सेंस 2019 में वो छूट गया गलती से, वो बिफोर थॉट नहीं था। ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन का भी कोई आंसर नहीं है आज की डेट में, क्योंकि यूपीएससी के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर का ऑप्शन था सी 1 2 3, क्योंकि घड़ियाल जो है अब क्या हो चुका है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेदरबैक टर्टल जो है वल्नरेबल, और लेदरबैक टर्टल टर्टल की सबसे बड़ी स्पीसीज है, और स्वाम्प डियर आज की डेट में हो चुका है वल्नरेबल, और यह इंडिया और नेपाल में ही है, और एक्सटिंक्ट हो चुका है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। आज की डेट में स्वाम्प डियर है वल्नरेबल। तो यहां देखो, मस्क डियर, स्वाम्प डियर, कश्मीरी स्टैग, हिरण, हिरण पर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वाम्प डियर भी पूछा है पहले में, क्या है स्वाम्प डियर, है स्वाम्प डियर क्या है, एंडेंजर्ड, स्वाम्प डियर है वल्नरेबल, भारत और नेपाल, एक्सटिंक्ट है बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब देखो स्वाम्प डियर पूछा है, तो एक जब 2012 में पूछा था उसने क्या दिया था, मस्क डियर, मस्क डियर क्या है, एंडेंजर्ड, आज की डेट में 19 में, 2019 में। और इसलिए जब ये कुछ भी करो, तुम्हें अप्रैल के दौरान भले तुम्हारी कॉपी में कुछ भी लिखा हो, सबको जाकर चेक करना पड़ेगा आयुषिन की वेबसाइट पर कि इसकी कैटेगरी क्या है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान, और घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पैटर्न, अभी मैंने क्या बोला, स्पीसी स्पेसिफिक, और स्पीसी की क्या आयुषिन कैटेगरी। ये कभी नहीं पूछ रहा है कि एक्सटिंक्ट को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, एंडेंजर्ड को डिक्लेयर करने के लिए कितने स्पीसी होने चाहिए, पर हम वो रटते हैं। नेक्स्ट अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में ही है तुम्हारा, एक दिया है कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग है हंगुल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कश्मीरी महामृग, और केवल मिलता है दचिगम नेशनल पार्क। दचिगम कश्मीर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कैसे होगा एलिमिनेशन से, उस समय 2013 में, आज की डेट में इसका कोई आंसर नहीं है। अब ऐसे ही फोर्थ नंबर हो गया है, फिफ्थ नंबर हो गया है, सिक्स नंबर देखो, सीधा पूछा है राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, गंगा डॉल्फिन। अब गंगा डॉल्फिन मतलब नहीं है, गंगा डॉल्फिन पूरा जानना है, क्योंकि 2019 में भारत सरकार लॉन्च करने का सोच रही है प्रोजेक्ट डॉल्फिन ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, तो डॉल्फिन के बारे में उस समय पूरा पता, डॉल्फिन नहीं, इसमें चारों जो है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पूरा पता होना चाहिए, ऑलिव रिडले टर्टल भी पूरा पता होना चाहिए, गैंजेटिक डॉल्फिन भी पूरा पता होना चाहिए, घड़ियाल भी पूरा पता होना चाहिए। और घड़ियाल देखो पहले भी पूछ चुका है, तो घड़ियाल पहले अगर पता होता तो यहां भी पता होता। और यही हमारी कमी है, जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो टेस्ट सीरीज में केवल और केवल रिलाई करते हैं कि हमें आंसर मिल जाए और रट्टा मार लूं, और रट्टा मार के बस वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। कभी भी हम जब ऑप्शन है मेरे ही बुक में क्या है, हम कभी उससे एनालाइज नहीं करते हैं, और जब तक वो एनालिसिस नहीं होगा थॉट में बैठेगा भी नहीं। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि टेस्ट देके आ गए, विश्लेषण मतलब होता है उससे कि तुम अपना एनालिसिस खुद क्या कर रहे हो, जो हो रहा है वो तो है ही, उस एनालिसिस से तुम अपने आप को ट्रैक क्या कर रहे हो, पता लगा किसी टेस्ट सीरीज में आ रहे 170-180 मार्क्स, पता लगा अगली बार पीटी नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने आप को ट्रैक ही नहीं किया। हम तो इसी में खुश हो गए कि मैं टॉप मार रहा हूं यूपीएससी, तो मैं टॉप ही मार जाऊंगा।
पेपर से ये पता लग रहा होगा, जरूरी नहीं कि तुम इस बार टॉप किया तुमने, अगर तुमने इस बार पीटी भी टॉप किया तो जरूरी नहीं अगली बार पीटी होगा, ये भी जरूरी नहीं है। उसके लिए कॉन्स्टेंट अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेवन नंबर, पैटर्न क्या सेम है कि नहीं है स्पीसीज में, तो खासकर पैटर्न सेम है। ये दो पैटर्न जो है देखो 2012 के क्वेश्चन लगातार, ज्यादातर देखो 11-12 के क्वेश्चन है ना, तो यहाँ स्पीसी पर क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा था। इसमें इसने सीधा पूछा है निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं। बस एक अगर पता है, उस समय बहुत न्यूज में था, उस समय एक्चुअल में चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो ही तुम चीता हटाओगे आंसर आ जाएगा। चीता जो ही हटाओगे आंसर आ जाएगा। और फिर तुम्हें ये स्नो लेपर्ड, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ मिलती है, साउथ, हिम तेंदुआ, हिमालयन जो भारत के स्टेट्स हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये तो तुम अमूमन देख भी सकते हो इसको। कई बार क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, बट तुमने नेचर में जो देखा है, जो तुमने फील किया है आते जाते समय, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। पैटर्न इसका उस समय सेम था। फिर जब इसने आठवां नंबर क्वेश्चन जो है ना, घर में जो टोटोइज पालते हैं वो कौन सा टाइप का टोटोइज होता है, स्टार टोटोइज होता है, अगर किसी को ये पता है, क्योंकि ये स्टार टोटोइज मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में मिलता है, तो भारत में राजस्थान और साउथ का जो पार्ट है तेलंगाना वगैरह, वहां पर ये टोटोइज होता है। और घर पे अगर स्टार टोटोइज देखा है तो किसी को यह अगर पता है तो आंसर वो मारेगा ए सी या डी। फिर जो मैं पिग्मी हॉग की बात कर रहा हूं, ये पिग्मी हॉग भी न्यूज में रहता है, छोटा सा पिग है ये, और इसको हम बेसिक में पढ़ते हैं और भारत में मिलता है ये। अगर ये है तो आंसर होगा 1 और 3, 1 और 3 होगा तो आंसर या तो ए होगा या डी होगा। बट ये क्वेश्चन टफ है फिर, क्योंकि 4 पता होना चाहिए। तो कई लोग ये बोल रहे थे कि 2019 में क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसे पूछे हैं कि एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछ रहा था ना ऐसा। आंसर ए है या डी है, स्पाइडर मंकी मिलते हैं अमेरिका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, आंसर है इसका ए। बट इसमें तुम एलिमिनेशन से 2 क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, बट आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो। बट पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, इसे तुम्हें पहले से प्रिपेयर भी रहना है कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो, क्योंकि अभी 19 में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यही है, जो यहां का स्टेटमेंट उसको क्या कर दिया उसने, चेंज करके तुम्हें पूछा है। पहले क्या पूछ रहा था स्पीसी दिया, सीधा पूछ लिया। इस बार क्या किया, कुछ मेमल्स स्तनधारी होते हैं, तो उसने उस स्पीसी का स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ ब्रॉड है वो स्टेटमेंट दिया है, पर उस ब्रॉड को निकालने के लिए तुम्हें छोटा सा उसके बारे में क्या पता है, एक्सेप्शन, अपवाद पता है, उस अपवाद से वो क्या रहा तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारी ये क्या चलेगी उसमें थॉट। रट्टा मारने से वहां भी नहीं होगा, तुम्हें पता है कि मैमल रट्टा मार लिया है, डुगोंग स्तनधारी होता है, और वहां उसने दे दिया कुछ समुद्री जीव स्तनधारी होते हैं, रट्टा तो मारा होगा वो, जब वो रट्टा यहां याद नहीं आएगा, लिंक नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्योंकि यह है तुम्हारा थॉट चलना चाहिए। फोर नहीं है ना, फोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यही तो है ओ क्वेश्चन। 1 2 3 ए, 1 2 3, 1 2 3 ए, ए इसका आंसर है। 1 2 3 4 नहीं है, स्पाइडर मंकी नहीं है इसमें, वो 3 हट गया होगा। ओके दिया तो है, सॉरी एट्थ ए, ओके सॉरी 1 2 3
ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इंग्लिश वाला है। क्वेश्चन समझने के लिए वो कर लो, ऑप्शन वहां देख लो। नेक्स्ट देखो, अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9th हो गया, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 1 and 3, सी हॉर्स नहीं है, फिश होती है, सी हॉर्स फिश होता है। अब देखो, लाइन टेल्ड मकेक, इतना पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट में मिलता है। तो यह कहा, क्या पूछा उसने? किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में। क्वेश्चन कब का है? 13 का। अब इसी, अगर स्पेसिफिक 13 का देखोगे तो इसी 13 में उसने 13 की तरह ही 16 के क्वेश्चन देखो, दो 16 में भी स्पेसिफिक जीव पूछा है, क्या? ग्रेट हॉर्नबिल। और यह ग्रेट हॉर्नबिल बीएनएचएस का लोगो है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। और जब यह उसका लोगो है, क्योंकि कई लोगों ने इसको ये सोचा, ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब देखो, यहां दो थॉट हैं सोचने का तरीका। फेस्टिवल होता है तो वो जो फेस्टिवल होता है तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, बट दूसरी तरफ ये भी तो याद रखो, बीएनएचएस का लोगो, बीएनएचएस का हेडक्वार्टर है मुंबई। और अब जब उसने नॉर्थ ईस्ट दिया तो उसने ऑप्शन देखो, उसका ऑप्शन बनाने का तरीका, हायर हिमालयज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के उच्चतर क्षेत्र 11। तो क्या हो गया है? गलत हो गया है ना अभी। फिर सैंड डेजर्ट्स और सी। तो यहां क्या पूछ रहा है? वो स्पेसिफिक जीव के बारे में पूछ रहा है, और जीव भी फेमिलियर, क्योंकि बीएनएचएस। अब इसी तरह, अब यहां क्वेश्चन मैंने डाल नहीं सकता था, बट इसी पर हॉर्नबिल से तुम लिंक कर सकते हो कि तुम्हारी संस्था में एक क्वेश्चन होगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जब यह पढ़ा है तो उसी समय पढ़ना क्या चाहिए? बीएनएचएस। और बीएनएचएस पर क्वेश्चन पूछा उसने, क्योंकि वो तुम्हारे संस्था वाले टॉपिक में डाला हुआ है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा ना, तो नॉर्थ ईस्ट पहुंचेगा तो ऑप्शन ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नहीं है ना, तो मारोगे हिमालय, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हिमालय को देखकर देखोगे नॉर्थ ईस्ट ही है वो। बी, सॉरी डी, पश्चिमी घाट। ये जो मैं डिस्कस करवा रहा हूं, वो इस तरह करवा रहा हूं, एक तो तुम्हें पैटर्न फाइंड आउट करना है, और दूसरा यह फाइंड आउट करना है कि तुम्हारा थॉट एग्जाम में क्या चल रहा है, और आंसर कैसे गलत आएगा, और आंसर कैसे सही भी आएगा। क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ा है तो बीएनएचएस भी पता होना चाहिए और वो फेस्टिवल भी पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का लोगो भी है, ये तो देखा ही नहीं होगा, ये तो देखा भी नहीं होगा कि उसका लोगो वो है। जब वो है तो उसके बारे में पढ़ लूं, मैंने देखा तो है, उसके बारे में पढ़ लूं ये नहीं सोचा होगा। बट ये देखा क्यों नहीं? क्योंकि बेसिक क्लास के नोट्स हैं उसमें तो होता है, बट वही है ना कि हमने पढ़ा ही नहीं है वो एनवायरनमेंट में, इसलिए लोगों को हवा नहीं लगती ना कि पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है जो क्वेश्चन देख लो। हाँ, अगर वो देखोगे, वो भी एक, अब ये थॉट कैसे आ रहा है, बार बार सीखते सीखते थॉट आ गया, ग्रेट इंडियन, ग्रेट इंडियन, आगे लिखा हॉर्नबिल। अब देखो ऑप्शन, अब देखो दूसरा तरीका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलता है? उसका ऑप्शन है यहाँ ए, और जल्दबाजी में पढ़ोगे तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नहीं पढ़ोगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ोगे, आता है ऑप्शन ए, ये भी होगा एग्जाम में। तो जब वो ऑप्शन बना रहा है, वो ऑप्शन कैसे बना रहा है? तुम सोच क्या रहे हो, समझ में आ रहा है? तुम सोच क्या रहे हो। और हम जब क्वेश्चन करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि बस नॉलेज ले लिया जाए, और जब यह तरीका आ जाएगा तो पीटी बहुत आसान है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ग्रुप
दो या तीन का ग्रुप बनाओ तभी ये थॉट चलेगा, नहीं तो थॉट नहीं चलेगा। अकेले तो रूम में बंद करके तो थॉट चलेगा भी नहीं ये, और वो भी तब जो उसको आता हो कि ऐसे इस नजर से देखना है, ये नहीं कि वो बस रट्टा मार के बताता रहे कि इसका आंसर ये है, रट्टा मारो इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, दैट मीन्स यू हैव टू सी लाइक दिस वे। नेक्स्ट, खराई केमल, फिर क्या पूछा है इसने, स्पेसिफिक स्पीसी पूछा है। खराई केमल गुजरात के कच्छ रीजन में, कच्छ नहीं साउथ में भी उसका रीजन है, आलियाबेट, वहां भी मिलता है ये, आलियाबेट कच्छ रीजन में मिलता है खराई केमल। और जब केमल है तो उसका डोमेस्टिकेशन क्यों नहीं कर सकते, ये देखो थर्ड ऑप्शन दिया उसने, इनको पाला नहीं जा सकता तो कैसे हो सकता है, थर्ड हटा वो आंसर है ना, आंसर एक और दो। केमल, इसी केमल की नजर से देखो तो दो कुबड़ वाला ऊंट पूछा है इस साल, 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम जोड़ सकते हो 2019 के क्वेश्चन नंबर 17, जो तुम्हारी इसी शीट में 17 नंबर क्वेश्चन, उससे जोड़ सकते हो, जहां उसका बी ऑप्शन देखो, जहां उसने पूछा है डबल हम्प केमल। बट ये इतना जा नहीं पाओगे, सब सोचोगे, तब नॉलेज की विड्थ ज्यादा होगी तभी सोच पाओगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर है ना, केवल भारत, खराई केमल तो भारत में ही है, ये डबल हेम केमल जो है ये कोल्ड इलाकों में मिलता है, वो मंगोलिया में भी मिलता है। पर डॉक्यूमेंट्री यहां कोई देखता थोड़ी है, यहां तो बस बस बुक के तले दबे जाओ। यहाँ कई लोग ऐसे मिले फर्स्ट ईयर में ही आ गए तैयारी करने, जबकि फर्स्ट ईयर नॉलेज होना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपेंड करने का, वो आ गए पढ़ाई के चक्कर में ही है, कोई तो माइंड विकसित भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तब होगा जब पर्सनैलिटी का विकास हो, और पर्सनैलिटी का विकास केवल बुक से नहीं होता है, इसलिए एग्जाम किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है, जरूर नहीं कि बुक्स ही एक सबसे बड़ा माध्यम है। कच्छ रीजन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक स्पीसीज पर पूछ रहा है ना, और वो भी क्या है, फेमस, इसकी विशेषता है ये खराई केमल, ओनली कच्छ रीजन। गुजरात ओनली होम, केवल गुजरात इसका होम है, इंडिया में भी केवल गुजरात, गुजरात में भी कच्छ, और गुजरात का साउथ साउथ रीजन में है अलियाबेट, अलियाबेट ALIYA, अलियाबेट BET, बेट मरीन क्रीक है, वही क्रीक है अलियाबेट, कच्छ का साउथ वाला पार्ट क्रीक है गुजरात, इतना याद रखना केवल गुजरात। नेक्स्ट 13 नंबर, ये टफ क्वेश्चन है, जहां उसने चिरू और ऑरिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, एनसीईआरटी में है ना, बट हम एनसीईआरटी पढ़ते कहाँ हैं, हमें तो ये है कि बुक्स बड़ी बड़ी पढ़ लें, जबकि सबसे पहले स्टार्ट होनी चाहिए एनसीईआरटी। यहां भी क्या पूछ रहा है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ढूंढना क्या है, अगर एनवायरमेंट पढ़ रहे हो तो स्पीसीज ढूंढने हैं, तो जितने स्पीशीज दे रखे हैं उसमें उसके बारे में पता क्या होना चाहिए, जो वहां लिखा हो पता होना चाहिए, इससे तुम्हारा बर्डन भी कम हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसका आंसर ए है, चिरू मोस्टली तुम्हारा तिब्बत रीजन, हाई एल्टीट्यूड कोल्ड रीजन में मिलता है, इसका आंसर वन है। और कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट कर दे पता होना चाहिए कि ऑरिक्स की विशेषता क्या है और चिरू की विशेषता क्या है। जिनके बड़े बड़े क्या होते हैं, सिंग्स, और हिरन वगैरह, जिनके ये सिंग्स बड़े, एंटलर्स जिनको बोलते हैं,
उसी टाइप का। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? स्पेसी स्पेसिफिक है और एक बची रू। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखोगे 14 नंबर, सीधा पूछा है वल्चर पर, तो यह उस समय न्यूज में था तो तुम्हें पता लगता। वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इंडियन कंट्रीसाइड सम इयर्स एगो आर रेयरली सीन नाउडेज, दिस इज एट्रिब्यूटेड टू। ये उस समय करंट में था, तो यहां पर भी क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक क्या पूछ रहा है, स्पीसी खतरा क्यों, स्पीसीज को खतरा क्यों है, या आंसर नहीं तुम्हें ये पैटर्न फाइंड आउट करना है वो पूछ कैसे रहा है। तो इसका आंसर जो है वो है बी। अब देखो बी में भी क्या है, जब हम करंट पढ़ते हैं तो हम उस ड्रग का नाम याद रखते हैं, डाइक्लोफेनेक। अब यूपीएससी ने डाइक्लोफेनेक नाम नहीं दिया, क्योंकि डाइक्लोफेनेक याद आते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, पर उसने क्या किया, डाइक्लोफेनेक की पूरी क्या बता दी, विशेषता बता दी। जब विशेषता बता दी, अगर तुमने रट्टा मारा डाइक्लोफेनेक तो विशेषता याद नहीं आएगी, पर डाइक्लोफेनेक को अगर समझा है कि कैसे हो रहा है तब वो प्रॉपर्टी याद रहेगी। क्योंकि ये किडनी को अफेक्ट करती है, इसमें क्या होता है, जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन और जैव संचय बायो एक्यूमुलेशन। क्योंकि जैव संचय जो होता है, जैव आवर्धन, उसमें आपका ऊपर से, और इसमें जब बायो मैग्निफिकेशन होता है तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऊपरी श्रृंखला वाले जीव में होता है कि निचली श्रृंखला वाले जीव में होता है, ऊपरी श्रृंखला वाले, ऊपर ऊपर बढ़ता रहता है। तब ये क्वेश्चन आया तो वो कंसेप्ट तुम्हें पूरा पूरा बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेयरली सीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और वो वर्ड भी था सीन नाउडेज। नेक्स्ट 15 नंबर जो इस साल पूछा है वो इस साल करंट में था, बट करंट नहीं भी पता है, थोड़ा अगर बेसिक भी स्ट्रांग है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। इरावदी डॉल्फिन से, इरावदी डॉल्फिन खारे पानी में मिलती है और गंगा डॉल्फिन मीठे पानी में, चंबल में गंगा डॉल्फिन मिलती है, इरावदी डॉल्फिन कहां से मिलेगी, तू हटाओ। और वैसे भी ब्लू फिन महशीर न्यूज में था और रस्टी स्पॉटेड कैट यह भी न्यूज में थी, और ये दोनों नहीं भी पता है तो दो हटाओ, आंसर आ जाएगा। तो यहां बेसिक जिसका स्ट्रांग है उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका करंट स्ट्रांग है उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। और इरावदी डॉल्फिन भारत में मिलती है चिल्का। चंबल में भी मिलती है क्या डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। गंगा की ट्रिब्यूटरी चंबल, सोन, कोसी सब में मिलती है। मेल की लंबाई ज्यादा होती है कि फीमेल की, फीमेल की। स्पेसी जानना है तो पूरा स्पेसिफिक जानना है। 2017 में जब उसने जीका पर क्वेश्चन पूछा तो जीका की इमेज न्यूज में थी, वो इमेज से उसने क्वेश्चन पूछा, जीका इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, वो खाली उस इमेज में दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है। जब प्रोजेक्ट डॉल्फिन न्यूज में है तो 2 हफ्ते पहले न्यूज में थी इमेज दिसंबर में, और इमेज से क्वेश्चन पूछेगा। और डॉल्फिन हमेशा प्रेफर करती है शेलो वाटर न कि डीप वाटर प्रेफर एक बार कंफर्म करना है उसको, शेलो या डीप वाटर प्रेफर करती है डीप, बट श्वास लेने के फिर ऊपर हमेशा आना पड़ता है। तो यहां पर एग्जाम में अगर ये पूछता है तो सोचोगे ये कि उसको बार बार, क्योंकि मेमल है, क्योंकि डॉल्फिन क्या है, ये मेमल है ना, मेमल है तो बार बार ऊपर आना पड़ेगा, तो बार बार ऊपर आना पड़ेगा तो शेलो वाटर में रहेगी, पर ऐसा नहीं है, डीप वाटर में प्रेफर करती है।
ये सोच से भी क्या हो सकता है, आंसर अलग हो सकता है। गंगा डॉल्फिन डीप वाटर प्रेफर करती है परंतु है क्या, मेमल, स्तनधारी। गंगा डॉल्फिन और यह राजस्थान में भी मिलती है क्योंकि चंबल है। तो यहां जब एक स्पीसी है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है। और यह गंगा डॉल्फिन जो मैंने अभी प्लान बताया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उसमें भी है ये। नेक्स्ट 16 नंबर इस साल का क्वेश्चन, अभी हमने तीन देखा मेमल वाला क्वेश्चन, इससे हमने आंसर अपना क्लोज नेरो डाउन कर लिया है ए बी और डी पर। तीन नेरो डाउन कर लिया क्योंकि सी तुमने हटा दिया है, क्योंकि तीन पता है तुम्हें क्या है, सही है, दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर उसने पूछा सम स्पीसीज और टर्टल्स आर हर्बीवोरस, घर पे अगर टर्टल है, टोर्टोइज है, उसको भी देख सकते हो, उससे भी अपना हिंट ला सकते हो, तो वन भी सही है। वन अगर सही है तो आंसर है तुम्हारा ए या डी बचा, 50% प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब फिश के बारे में, अगर एक्वेरियम देखा है कहीं, खाना खाने वगैरह जाते हो, उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि वो शाकाहारी या मांसाहारी। आंसर 1, 2, 3, 4 इस तरह क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। हाँ दाना डालते हैं वो शाकाहारी है ना, फोर तो मुझे पता ही नहीं है, फोर तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो 1, 2, 3 पता है ना। तो जब ऑप्शन ऐसा है, जब मुझे फोर पता ही नहीं है, आंसर आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। जब मुझे नहीं पता है, मुझे तो आंसर लाना है, और वो आंसर उससे लाना है जिस पर मैं श्योर हूं। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। अंडे और सजीव को जन्म देना जरूरी नहीं है, कुछ है तो वर्ड क्या बोला उसने, वर्ड क्या बोला है, कुछ सम स्पीसीज। तो यहां पर जैसे डुगोंग था, अगर यहां क्वेश्चन ये आता ऑल स्पीसीज ऑफ मरीन मेमल्स आर हर्बीवोरस, बट यूपीएससी ने ऑप्शन दिया तो उसने ऐसा ऑप्शन दिया जिस पर तुम सोच सको, क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया कि तुम कर ही नहीं सको, ये तुम्हें सोच थॉट तुम्हारी ये होनी चाहिए। नेक्स्ट 18 नंबर एम स्ट्रिप्स न्यूज में था टाइगर पर, तो ये टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो है टाइगर से है तो बी, एम स्ट्रिप्स एक एप्लीकेशन है जो NTCA के द्वारा लाई गई है। बीस नंबर देखो फिर वाई क्या है क्वेश्चन, किसी स्पेसिफिक जीव के आवास पर है और यह है जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा वाइल्डस, नाल सरोवर वगैरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ी होगी गुजरात में, वहां पर है यह। फिर क्वेश्चन किस पर है स्पेसिफिक, और 21 नंबर पोलिनेटिंग एजेंट बर्ड बी बैट, तीनों है इसके आंसर। हाँ यूपीएससी चमगादड़, कुछ लगेगा तो कहीं जाएगा, बैठेगा तो पोलिनेट तो करेगा ना, बीज को खाता है तो पोलिनेट करेगा। इन दो सेक्शन से क्या पता लगा, पैटर्न क्या है स्पीसीज का, स्पीसी पूछेगा उस स्पीसी के बारे में या तो पूरी डिटेल पूछ लेगा या IUCN, बट हम पढ़ते नहीं है स्पीसीज को। फिर जो बेसिक देखा पोल्यूशन, पोल्यूशन में स्पेसिफिक पोल्यूटेंट के बारे में या
इंडस्ट्री के बारे में, पोल्यूटेंट या इंडस्ट्री के बारे में, पैटर्न, और उसमें भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो कुछ ना क्वेश्चन क्वेश्चन वापस उसी से हो जाएंगे। और ये पैटर्न यही नहीं है, इकोनॉमी में भी ये पैटर्न है, ज्योग्राफी में भी ये पैटर्न है, साइंस टेक में भी ये पैटर्न है, साइंस टेक में तो बहुत ज्यादा है पैटर्न, खासकर एस्ट्रोनॉमी वाले क्वेश्चन में, जहां अगर ऑप्शन चारों पता है जो यूपीएससी ने पहले पूछे हैं, अगर उनके बारे में क्रिस्टल क्लियरिटी है तो आगे के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इकोनॉमी में भी है कि उसके जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, ऑल्दो इकोनॉमी डायनेमिक है बट स्टैटिक वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉलिटी यस है, बट अभी जो दो आज के डेट में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन थॉट पर आ रहे हैं, लिबर्टी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, इक्वलिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, सिटीजनशिप क्या है, इस बार ये क्वेश्चन हो सकता है, नागरिकता क्या है, नागरिकता पता लगा सबने पढ़ा नागरिकता बिल, पूछ लिया नागरिकता का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन नहीं, एलिमेंट्स, फिलोसॉफी, ये पैटर्न है आज की डेट में। और आज की डेट में जो पैटर्न आ रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है पॉलिटी में, क्योंकि इस पैटर्न से तुम्हें यह भी फाइंड आउट करना है कि किस एरिया पर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो सबका स्ट्रांग है वो तुम्हारा वीक नहीं होना चाहिए, और सबका सबसे स्ट्रांग है पॉलिटी, सबका सबसे स्ट्रांग है पॉलिटी, पॉलिटी आंख बंद करके करवा लो जितना, तो हिस्ट्री भी स्ट्रांग नहीं है यूपीएससी का हिस्ट्री, पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो क्वेश्चन अगर यूपीएससी में पेपर करते हो अपना कॉन्फिडेंस अप करने के लिए, सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन पिक कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों का यह होता है साइंस टेक आते ही पूरा कॉन्फिडेंस लूज, कॉन्फिडेंस लूज होते ही वो गया वहीं। आज हमने इतना डिस्कस किया है, अभी मैं आगे के पैटर्न तुम आज डिस्कस करोगे, कल मैं वापस लूंगा ये क्लास 10:30 बजे, आगे का पैटर्न तुम खुद देखोगे फिर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो पैटर्न जब पहचानोगे आइडिया लगता रहेगा, वो पैटर्न जो ही पहचानोगे आइडिया पता लगता रहेगा, नहीं तो अदरवाइज इस क्वेश्चन को तुम समझोगे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आंसर जान रहे हैं, पर्पज इसका आंसर जानना नहीं है, पर्पज है वो पैटर्न तुम्हें देखना है, और पैटर्न देख के ये भी देखना है कि तुम्हारा विड्थ कितना होना चाहिए, और ये अब यूपीएससी के लिए नहीं, पीसीएस में भी तुम्हें यही करना है, क्योंकि आगे वाला जो सेक्शन है वो तो और खतरनाक है, यहां कुछ सुने तो होंगे वहां तो कुछ सुने भी नहीं होंगे, खासकर लॉज और इंस्टीट्यूशंस में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है बेसिक वाले में, बट उस बेसिक में दोनों क्वेश्चन है जो हम ट्रेडिशनल पढ़ते हैं बायोलॉजी की क्लास के लास्ट के 4 चैप्टर प्लस क्लाइमेट चेंज के बेसिक क्वेश्चन भी उसमें शामिल है, 5 सेक्शन में डिवाइड होगा ये पूरा, 5 सेक्शन में है ना, पहला तुम्हारा प्रदूषण, दूसरा है स्पीसीज, तीसरा है बेसिक, चौथा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और पांचवा है लॉज, और आई थिंक सारे सब्जेक्ट जब इस तरह डिस्कस होंगे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कौन से सेक्शन पे तुम्हें फोकस करना है, और उस अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी भी बना पाओगे इस एग्जाम की, नहीं तो जो कोई जो कह दे रहा है तुम उसी फ्लो में ढलते जा रहे हो, ये कह रहा है चलो मैं यही पढ़ लेता हूँ, वो ये बुक कह रहा है चलो मैं यही बुक पढ़ लेता हूँ,